महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने अपने विचारधारा से समझौता किया और सरकार बनाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ दिया। शिवसेना को किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी चाहिए थी, जो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि इस गठबंधन की सरकार कब तक चलेगी। वैसे भी कहा जा रहा है कि शिवसेना के 17 विधायक कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि फिलहाल शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने उन विधायकों को मनाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के सामने शर्त रखी है कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग से दूर ही रहे। तो सवाल ये है कि शिवसेना के ये विधायक जो हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ने को तैयार नहीं, वो कब तक शांत रहेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संवादित गठबंधन को नितिन गडकरी ने मौका प्रस्ती का गठबंधन बताया है। महाराष्ट्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नितिन गडकरी ने कहा कि वैचारिक तालमेल ना होने के कारण यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ना होना देश, विचारधारा, हिंदुत्व और महाराष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि बीजेपी शिवसेना की हिंदुत्व की विचारधारा थी, इसलिए हमारा गठबंधन इतना लंबा रहा, लेकिन आने वाली ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी। नितिन गडकरी ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि आखिरकार फिर से जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।